हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में और 2D एनिमेशन का काम कैसे होता है। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो ऐसी ही मजेदार फैक्ट्स और चीजों को जानने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जेन डेज को, जिन्होंने टॉम एंड जेरी और पपाय जैसे सुपर शोज हमें दिए थे। उनका हाल ही में देहांत हो चुका है। अगर आपने अपना बचपन टॉम एंड जेरी और पपाय देख के बिताया है तो आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। अगर आप फैन हो कार्टून मूवीज के, एनिमे अगर आप देखते हो, जापानीज कार्टून को एनिमे कहा जाता है, फैन हो नारुतो के, पोकेमोन के या ड्रैगन बॉल जी जैसे कार्टून्स के, और अभी भी आप देखते हो शिनचैन या डोरेमोन, तो ये सारे 2D एनिमेशन हम कहते हैं। 2D इंडस्ट्री में काम कैसे होता है? तो हाथ से ड्रॉ कर करके एक एनिमेशन सीन को बनाया जाता था। तो जैसे कि एक लाइट बॉक्स होता था, उसके ऊपर एक करेक्टर हमने बना दिया, उसके ऊपर दूसरा शीट रख के उसके अगला मूवमेंट हम लोग बनाते थे। तो ये ट्रेडिशनल एनिमेशन टेक्निक होती है। तो स्केच कर करके ये चीज़ें बनाई जाती थी। तो जो ये कार्टून्स और एनिमे बनते हैं वो बनते हैं 12 FPS पे। FPS मतलब 12 फ्रेम पर सेकेंड। 12 इमेजेस को ड्रॉ किया जाता है या बनाया जाता है एक सेकंड का एनिमेशन बनाने के लिए। तो मतलब कि आधे घंटे के एक एपिसोड के लिए कम से कम 15,000 से 20,000 तक स्केचेस बनाए जाते हैं एनिमेशन के एक आधे घंटे का एपिसोड बनाने के लिए। तो ये होता है ट्रेडिशनल एनिमेशन। तो स्टोरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बाद कैरेक्टर डिज़ाइन आता है। कैरेक्टर डिज़ाइन बनाने के लिए आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या प्रोक्रिएट जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो आराम से, जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टर का कलर टोन सेट कर देते हैं, उसकी बॉडी के कपड़े वगैरह सबको सेट कर देते हैं और वो वहाँ पे फाइनलाइज हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे कार्टून्स या एनिमे में उनके कपड़े ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। मेनली जो कपड़े डिसाइडेड हैं वही रहते हैं सीज़न के अंदर। तो कैरेक्टर डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद मेन चीज़ होती है स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग कार्टून्स और रियल लाइफ मूवीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि हमारा कैरेक्टर कहाँ पे खड़ा होगा, उसका क्या शॉट होगा, कौन से एंगल पे शॉट लिया जाएगा, कैमरा एंगल क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सेट की जाती है एक रफ ड्राइंग से। और उसके बाद उसके अंदर प्रॉप्स या जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भी डिज़ाइन की जाती हैं। उन्हें या स्केच कर सकते हो या तो फोटोशॉप में पेंट करिए या क्लिप स्टूडियो पेंट के अंदर पेंट करके, प्रोक्रिएट और ये सारी चीज़ों का यूज़ करके आप बैकग्राउंड्स या प्रॉप्स बना सकते हो 2D के अंदर। स्टोरी बोर्डिंग के लिए स्टूडियो मेनली यूज़ करते हैं स्टोरी बोर्ड प्रो। जब प्री प्रोडक्शन कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद आती है प्रोडक्शन की बारी। जैसे कि मैंने बताया कि बेसिकली ट्रेडिशनल एनिमेशन में स्केच टू स्केच करके ये चीज़ें बनाई जाती थी, लेकिन अब ये डिजिटलाइज हो चुका है। तो हमारे पास पेन टैबलेट्स होते हैं और या तो सिंटिक जैसे सिस्टम भी होते हैं जो डायरेक्टली आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पेंट कर सकते हैं। और एक की एनिमेटर होता है। की एनिमेटर एनिमेट करता है उसके की पॉइंट्स को, आपके करेक्टर के की पॉइंट्स को, जैसे कि उसका वो स्टार्ट बना देगा, मिडल बना देगा और उसका एंड बना देगा, फाइनल पोस्चर बना देगा, जो कि काफ़ी सॉलिड ड्राइंग्स होती हैं ताकि वो एक सीन बहुत ही दमदार हमें लगे। जब ये की एनिमेटर उन्हें एनिमेट कर देते हैं एक शॉट के लिए, तो वो अपने अगले शॉट पे चले जाते हैं। फिर आते हैं इन बिटवीन एनिमेटर्स, जो कि इन की पॉइंट्स के बीच के गैप को भरते हैं और उसके बीच की एनिमेशन को बनाते हैं ताकि थोड़ा स्मूथली वो एनिमेशन लगे, और फिर एक फाइनल शॉट को वो बना दिया जाता है। तो एनिमेट करने के लिए मेनली यूज़ होते हैं टून बूम। टून बूम एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लिप स्टूडियो पेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एनिमेशंस के लिए, और ओपन टून्स जो कि घिबली स्टूडियोज़ भी यूज़ करते हैं अपनी मूवीज़ के लिए। घिबली स्टूडियोज़ की मूवीज़ अगर आपने नहीं देखी तो देख लो, बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ होती हैं और उनका एनिमेशन स्टाइल भी बहुत ही अलग है। और एनिमेशन और ये सारी चीज़ें होने के बाद आते हैं इफ़ेक्ट्स और कंपोजिशन की बारी। देखो, अभी एनिमेशन तो हो गया, वो कैरेक्टर का एनिमेशन है, उसके पीछे बैकग्राउंड लगाना पड़ता है, जो भी प्रॉप्स यूज़ हो रहे हैं वो लगाने पड़ते हैं, या कोई भी इफेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी उसमें लगाने पड़ते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिटिंग। तो मेनली कार्टून इंडस्ट्री में ज़्यादातर आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ होता है ये चीज़ें करने के लिए, क्योंकि एनिमेशन इंडस्ट्री में ज़्यादा काम होता है स्केचिंग के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर और एनिमेशन के ऊपर, और कंपोजिटिंग के लिए कम लोग होते हैं, इसलिए आफ्टर इफेक्ट का ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह उसे कंपोजिशन को बनाने के लिए। तो वो कंपोजिटिंग हम लोग आफ्टर इफेक्ट में करते हैं। और अगर आपको आफ्टर इफेक्ट सीखना है तो आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कंपोजिशन कंप्लीट होने के बाद आती है बारी डबिंग की, साउंड्स की और उसे एडिट करने की। डबिंग, साउंड्स और ये चीज़ों को एडिट करने के लिए प्रीमियर प्रो या FCP का यूज़ होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं एडिटिंग के लिए। काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, ये आपके ऊपर है आपको एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। हम लोग 3D सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लेंडर, माया, मैक्स या सिनेमा 4D। इन सब सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग 3D के अंदर भी 2D को दिखाने के लिए। इन सब के अंदर टून शेडिंग का ऑप्शन होता है, जो कि आपको रेंडर देगा 2D इफेक्ट बनाने का।
अगर आपको ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो उसके अंदर टूल शेडिंग आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप उससे एनिमेशंस बना सकते हो और उसे 2D के अंदर भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल बेस हैं, जैसे कि रेटास प्रो के पेंट मैन, ट्रेस मैन हो गया, अडोबी एनिमेट से भी आप एनिमेट कर सकते हो, प्रोक्रिएट और फोटोशॉप का यूज़ करके आप पेंट कर सकते हो, आप बना सकते हो कुछ भी, ब्लेंडर, 3D माया, मैक्स, इनका यूज करके आप 3D के अंदर भी कुछ बना सकते हो और उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हो 2D के अंदर। और फिर आफ्टर इफेक्ट्स तो है ही, कंपोजिशन बनाने के लिए और एडिटिंग के लिए आप प्रीमियर प्रो या FCP का यूज कर सकते हो। 3D के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन 2D जो कि एक ट्रेडिशनल एनिमेशन स्टाइल है, उसके अंदर आपकी जो ड्राइंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आपको 2D के अंदर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी फील्ड है और बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं, इसके एनिमेशन स्टाइल को। और अगर आपको कंपोजिटिंग सीखनी है, आफ्टर इफेक्ट्स सीखना है, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप आफ्टर इफेक्ट रेडी हो जाते हो और आपको यूडीमी का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। सर्टिफाइड कोर्स है आप लोगों के लिए। तो एनिमेशन स्टूडियो के अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। वैसे तो कई सारे स्टूडियोज़ हैं जो अपना एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता है, वो सिर्फ स्टूडियो के अंदर यूज़ होता है और स्टूडियो के लोग ही उसमें काम करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको 2D में पूरी तरह से जाना है तो आप ओपन टून्स का यूज़ कर सकते हो, टून बूम का यूज़ कर सकते हो, या अडोबी एनिमेट का भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अडोबी एनिमेट का ट्यूटोरियल चाहिए तो वो मैं डालने वाला हूँ जल्दी ही, और देखेंगे कुछ एनिमेशन प्रिंसिपल कि एनिमेशंस में क्या क्या होता है, कैसे हमें वो देखने में इतना अच्छा लगता है, कैसे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की जाती है और कैसे हम लोग इन बिटवीन चीज़ें डालते हैं एक शॉट को बनाने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।